नमस्कार दोस्तों, बायोलॉजी विद संदीप टंडन यूट्यूब एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम प्लांट टिश्यू के विषय में अध्ययन कर रहे थे, जिससे संबंधित हमारी ये 7वीं क्लास है। इससे पहले हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, स्ट्रोजन थ्योरी, कार्पस ट्यूनिका सिद्धांत और इसके अलावा जो प्लांट टिश्यू है इसके टाइप्स हमने देख लिए थे, जिसमें पहला टाइप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के विषय में हमने देख लिया था। दूसरा टाइप हम परमानेंट टिश्यू के विषय में देख रहे थे, जिसके अंतर्गत दो प्रकार से हम परमानेंट टिश्यू को डिवाइड करते हैं, एक तो सिंपल टिश्यू, एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू के अंतर्गत हमने मृदुतक, स्थूलकोणोतक, दृढ़ोतक इनके विषय में डिटेल से बात कर ली थी। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू यानी कि जटिल ऊतक के विषय में डिटेल से अध्ययन करेंगे, जो कि दो प्रकार का होता है, एक तो जाइलम और एक फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, जल का परिवहन करता है, और फ्लोएम होता है ये फूड का यानी कि भोजन का परिवहन करता है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम जटिल ऊतक का जो पहला प्रकार आता है जाइलम टिश्यू यानी कि जाइलम ऊतक के विषय में हम इस वीडियो के अंतर्गत डिटेल से बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू यानी कि जटिल ऊतक युग्मकोद्भिद पादपों में अनुपस्थित होता है। जितने भी गेमेटोफाइटिक प्लांट होते हैं, युग्मकोद्भिद पादप होते हैं, उनमें ये अब्सेंट होता है। एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है, यानी कि जटिल ऊतक जो होता है इसमें एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, और इसी कारण से इसे विषमांगी ऊतक भी हम कहते हैं। जटिल ऊतक जो होता है ये दो प्रकार का होता है। सामान्यतः हम बात करें तो जटिल ऊतक दो प्रकार का होता है, एक तो जाइलम यानी कि दारू ऊतक, दूसरा होता है फ्लोएम यानी कि पोषवाह ऊतक। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम जाइलम के विषय में डिटेल से बात करेंगे। तो एक बार थोड़ा सा हम जटिल ऊतक के विषय में भी देख लेते हैं कि दो प्रकार का होता है, एक तो जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। जाइलम जो होता है ये क्या करता है, जल का परिवहन करता है, यानी कि जल को जड़ों से लेकर के पादप के अन्य भागों तक पहुंचाता है। फ्लोएम क्या करता है, जो पत्तियों में भोजन बनता है उस भोजन को जड़ों तक पहुंचाने का कार्य करता है। इसके अलावा पादप के जो अन्य भाग हैं वहां तक भोजन को पहुंचाने का कार्य है वो फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। और यहाँ पर देखो इस वेस्कुलर बंडल के अंदर भी हम देख सकते हैं, ये वाला एक हम यहाँ पर देख लेते हैं, जो रेड वाला नजर आ रहा है ये तो जाइलम होता है, और जो बाहर आपको ब्लू ब्लू कलर में नजर आ रहा है ये फ्लोएम होता है। और दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, वेस्कुलर बंडल कहते हैं। इसके मध्य एधा पाई जाती है, केम्बियम पाई जाती है। तो जटिल ऊतक जो होता है ये दो प्रकार का होता है, जाइलम और फ्लोएम। तो पहले हम बात करते हैं जाइलम यानी कि दारू ऊतक। जाइलम शब्द का सबसे पहले प्रयोग है वो नगेली नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। जाइलम जो होता है ये जल सेवनी ऊतक होता है, यानी कि जल का परिवहन करता है, ये जल को जड़ों से लेकर के पादप के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य है वो जाइलम के द्वारा किया जाता है। अब देखो इसको एक ट्रिक के द्वारा भी याद कर सकते हैं, जल और जाइलम में भी पहला शब्द क्या आता है, जय आता है। इसी प्रकार से जो फूड होता है फूड में, और इसी प्रकार फ्लोएम में पहला शब्द क्या होता है, फे आता है, पी आता है। तो इस प्रकार से भी हम इसे याद कर सकते हैं। तो जाइलम शब्द का सबसे पहले प्रयोग नगेली ने किया था, और जल सेवनी ऊतक होता है इसी कारण इसे हेड्रोम भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, हेड्रोम किसे कहते हैं, तो जाइलम को हम क्या कहते हैं, हेड्रोम भी कहते हैं। जाइलम या दारू ऊतक उत्पत्ति के आधार पर, ओरिजिन के आधार पर ये दो प्रकार का होता है। पहला है प्राथमिक जाइलम और दूसरा होता है द्वितीयक जाइलम, प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम या प्राथमिक जाइलम है, इसकी उत्पत्ति जो होती है वो प्राक एदा से होती है, प्रोकेम्बियम से होती है। प्रोकेम्बियम से उत्पत्ति होती है प्राथमिक जाइलम की। और जो द्वितीयक जाइलम होता है इसकी उत्पत्ति होती है सेवनी एदा से, वेस्कुलर केम्बियम से। अब देखो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो वेस्कुलर बंडल होता है इस प्रकार से होता है, ये इस वेस्कुलर बंडल में यहाँ पर जो जो पाई जाती है तो प्रोकेम्बियम होती है, इधर फ्लोएम बनता है, इधर जाइलम बनता है। जो जाइलम होता है ये प्राथमिक जाइलम की जो उत्पत्ति होती है ये प्राक एदा से होती है, इसी से होती है, जबकि द्वितीयक जाइलम की उत्पत्ति ये सेवनी एदा से होती है, वेस्कुलर केम्बियम से होती है। अब देखो जो प्राथमिक जाइलम होता है इसे हम दो भागों में बांटते हैं, एक तो आदि दारू या प्रोटोजाइलम और दूसरा होता है अनुदारू या मेटाजाइलम। आदि का मतलब होता है पुराना, यानी कि जो पहले बनता है, जो प्रथम निर्मित जाइलम होता है वो क्या कहलाता है, प्रोटोजाइलम कहलाता है, आदि दारू कहलाता है। इसी प्रकार से अनुदारू, अनु का मतलब है बाद में, और जो बाद में निर्मित जाइलम होता है वो कहलाता है अनुदारू या मेटाजाइलम। एक बार यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में भी हम समझ लेते हैं, ये देखो एक द्विबीजपत्री डायकोट प्लांट की जो स्टेम है उसकी स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई गई है, जिसमें देखो ये होता है वेस्कुलर बंडल। इस वेस्कुलर बंडल में देखो ये वाला जो पार्ट दिखा गया ये मेटाजाइलम होता है और ये होता है प्रोटोजाइलम। तो सबसे पहले यहाँ पर निर्माण होता है जाइलम का, और फिर ये निर्माण होता हुआ इस तरफ जाता है, जो पहले निर्मित होता है उसे हम प्रोटोजाइलम कहते हैं,
और जो बाद में बनता है उसे हम मेटा जाइलम कहते हैं। तो ये हमें अच्छे से ध्यान में रखना है कि जाइलम जो होता है ये दो प्रकार का होता है, एक तो प्राथमिक जाइलम, एक द्वितीयक जाइलम। प्राथमिक जाइलम की उत्पत्ति प्राकेदा से और द्वितीयक जाइलम की उत्पत्ति सेवनेदा से। प्राथमिक जाइलम जो होता है ये आगे दो प्रकार से हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, एक तो आदिदारु या प्रोटोजाइलम जो कि सबसे पहले इसका निर्माण होता है, और एक होता है अनुदारु या मेटाजाइलम जिसका निर्माण बाद में होता है। तो शायद ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब जाइलम उत्तक के घटक, जाइलम उत्तक ये किस किस से बना होता है, कौन कौन से घटक होते हैं इसमें। जाइलम उत्तक के घटकों की बात करें तो चार घटक इसमें पाए जाते हैं। पहला है वाहिनीकाय यानी कि ट्रेकेट्स, दूसरा है वाहिकाय यानी वेसल्स, और तीसरा है जाइलम तंतु यानी कि जाइलम फाइबर्स, और चौथा है जाइलम मर्दुतक यानी कि जाइलम पेरेनकाइमा। अब देखो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हो गया ट्रीकेट्स, ये वाली जो लंबी लंबी अक्ष के समानांतर आपको दिखाई दे रही है ट्रीकेट्स होती है, वाहिनीकाय होती हैं, और ये जो चौड़ी आपको यहाँ पर नजर आ रही है ये है वेसल इलेमेंट यानी कि वाहिकाय, और ये जाइलम पेरेनकाइमा सेल्स होगी जो बाहर की ओर ग्रीन ग्रीन आपको नजर आ रही है, और इसी के अंदर की ओर पाए जाते हैं जाइलम फाइबर्स। तो पहले हम बात करते हैं वाहिनीकाय यानी कि ट्रीकेट्स की। मर्त आदिम तत्व होता है, आदिम का मतलब होता है सबसे पहले, तो जाइलम घटकों में सबसे पहले निर्माण वाहिनीकायों का होता है, और ये मर्त होती है, एक कोशिकीय होती है। यहाँ पर इसकी संरचना भी आप देख सकते हैं ट्रीकेट्स की, और इसमें बॉर्डर स्प्लिट पाए जाते हैं। कोशिकाएं दीर्घीकृत होती है यानी कि लंबी होती है, नलिकाकार होती है, गुहा संकरी होती है, जो गुहा होती है इसकी बहुत ही संकरी होती है, लिग्निन का जमाव इस पर पाया जाता है, और इसी कारण से इसकी जो भित्ति होती है, कोशिका भित्ति जो होती है वो मोटी होती है। सिरे नुकीले होते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं सिरे कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं। लिग्निन का जमाव विविध प्रकार से हो सकता है, लिग्निन का जमाव ये अलग अलग प्रकार से हो सकता है, सर्पिलाकार हो सकता है, जालिकावत हो सकता है, और गर्ती प्रकार का हो सकता है। भित्ति पर सरल व प्रवेशित तो दोनों प्रकार के ही गर्त पाए जाते हैं। देखो यहाँ पर बोर्डेड पिट तो दिखाए गए हैं, सरल पिट भी यहाँ पर पाए जाते हैं, सिंपल पिट भी पाए जाते हैं। तो वाहिनीकाओं में सरल और प्रवेशित गर्त दोनों प्रकार के ही गर्त पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म की वाहिकाओं में प्रवेशित गर्त अधिक पाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखना है कि वाहिनीकाओं में कौन से प्लांट है जिनमें सबसे अधिक प्रवेशित गर्त पाए जाते हैं, तो जिम्नोस्पर्म की वाहिकाओं में सबसे अधिक प्रवेशित गर्त पाए जाते हैं। पादप के लंबवत अक्ष के समानांतर व्यवस्थित होते हैं, जो पादप होता है देखो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये पादप का जो अक्ष होता है इसी के समानांतर ये व्यवस्थित होते हैं। इसके उदाहरण हमें ध्यान में रखने हैं आवर्त बीजी, अनावर्त बीजी और टेरिडोफाइटा, इन सभी में वाहिनीकाय पाए जाती हैं, ट्रिकेट्स पाए जाती हैं। आवर्त बीजी, अनावर्त बीजी और टेरिडोफाइटा यानी कि एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइटा। फरन और जिम्नोस्पर्म में केवल वाहिनीकाओं द्वारा ही शोषण होता है, जल का सेवन होता है, सॉरी शोषण नहीं, जल का सेवन होता है। तो ये ध्यान में रखना इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जो फरन और जिम्नोस्पर्म होते हैं, अनावृत बीजी होते हैं, इनमें केवल वाहिनीकाएं ही पाई जाती हैं, और इन्हीं के द्वारा जल का सेवन होता है। यहाँ पर इनकी देखो सभी की स्ट्रक्चर हम समझ सकते हैं, ये ट्रीकेट्स है यानी कि वाहिनीकाय, जिसमें बोर्डेड और सरल और जो बोर्डेड पिट होते हैं, प्रवेशित गर्त होते हैं, वो दोनों ही प्रकार के पाए जाते हैं। ये वेसल्स होगी वाहिकाय, वाहिका, तो यहाँ पर बोर्डेड पिट भी देखने को मिलते हैं और सिंपल पिट भी देखने को मिलते हैं। ये जाइलम पेरेनकाइमा कोशिका होगी जिसमें साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं, इन दोनों में साइटोप्लाज्म नहीं होता है, ये मर्त कोशिकाएं होती हैं, और ये जाइलम फाइबर होता है, ये नुकीली शिरों वाली और कोशिकाएं होती हैं, और ये भी मर्त होती हैं, और ये भी मर्त होते हैं, यानी कि तीन प्रकार की जो कोशिकाएं, ट्रीकेट्स, वेसल्स और जाइलम फाइबर, ये तो मर्त होती हैं, और एकमात्र कोशिका होती है जाइलम पेरेनकाइमा, जाइलम मर्दुतक, ये जीवित कोशिका होती है, जीवित घटक होता है, और ये स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई गई ट्रीकेट्स, वेसल्स की और फाइबर्स की। दूसरा जो घटक आता है वो है वाहिकाय, वेसल्स, बहुकोशिकीय मर्त घटक होता है, यानी कि बहु कोशिकाओं से बना होता है, अनेक कोशिकाओं से निर्मित होता है, और ये भी मर्त घटक होता है। मर्त का मतलब इसमें जीवद्रु एब्सेंट होता है, लिग्निन का निक्षेपण पाया जाता है, गुहा चौड़ी होती है, बेलनाकार नली के समान होता है। यहाँ पर इसकी संरचना भी हम समझ सकते हैं, इनकी भित्तियों पर भी लिग्निन का जमाव होता है, और इसमें जीवद्रु भी नगण्य पाया जाता है, अब्सेंट होता है, इसी कारण से ये मर्त होती हैं। अब देखो यहाँ पर हम देख सकती हैं ये एक है वेसल्स मेंबर, और ये बहुत सारी वेसल्स मेंबर जुड़ करके एक वेसल्स का निर्माण करते हैं। कई वाहिका कोशिकाओं के संयुक्त होने से, ये अभी मैंने आपको बताया वही चीज़ यहाँ पर हम देख रहे हैं
कई वाहिका कोशिकाओं के संयुक्त होने से ये बनती हैं, और ये कोशिकाएं एक के ऊपर एक विन्यासित रहती हैं तथा इनकी अनुप्रस्थ भित्ति के घुल जाने से एक लंबी बेलनाकार संरचना बन जाती है। अब देखो ये वाहिका मेंबर है, इसी प्रकार से एक के ऊपर ये एक व्यवस्थित होती हैं और फिर ये अंदर की भित्ति होती है इनकी घुल जाती है और घुल जाने के कारण एक लंबी बेलनाकार संरचना बन जाती है। कोशिकाओं के संलयन से बनती है, यानी कि बहुत सारी कोशिकाओं के मिलने से बनती है, और ये सिंसाइट का क्या है, एक उदाहरण है। अंतःभित्तियां छिद्रित होती है, इसकी जो अंतःभित्तियां होती है छिद्रित होती है। देखो यहाँ पर ये जो बहुत सारे आपको टिप से नजर आ रही है ये क्या होती है, छिद्र होती हैं। और ये छिद्रित छिद्रण भी कैसा, दो प्रकार का होता है, एक तो सरल छिद्रण होता है, एक बहुछिद्रण होता है। सरल छिद्रण का मतलब होता है केवल एक ही छिद्र उपस्थित हो, और बहुछिद्रण का मतलब होता है एक से अधिक छिद्र उपस्थित हो, यानी कि अनेक छिद्र हो, और ये अनुलंब अक्ष के समानांतर व्यवस्थित होती हैं। और वाहिकाएं जो होती हैं वेसल्स हैं, इनका कार्य क्या होता है, जल सेवन तथा यांत्रिक सहायता प्रदान करना, जल का सेवन करना, ट्रांसपोर्टेशन करना, और साथ में यांत्रिक सहायता प्रदान करना, प्लांट को मजबूती प्रदान करना। ये इंपॉर्टेंट है, नोट लगा के मैंने लिखा है यहाँ पर। अनावृत बीजी व टेरिडोफाइटा में वाहिकाएं अब्सेंट होती हैं, अनावृत बीजी और टेरिडोफाइटा जो प्लांट होते हैं इनमें वाहिकाएं क्या होती है, अब्सेंट होती हैं। लेकिन ये अपवाद यहाँ पर दे रखे हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं, ये अपवाद से संबंधित क्वेश्चन है, वो आपके नीट और आरपीसी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी में कई बार पूछे जा चुके हैं। अनावृत बीजी के हम अपवाद देख लेते हैं जिनमें वाहिका उपस्थित होती है, सामान्य तो अब्सेंट होती है, लेकिन कुछ प्लांट होते हैं जिनमें ये उपस्थित होती है। नीटम, वेलविस्चिया, एफिड्रा, ये ऐसे प्लांट हैं जिनमें वाहिका उपस्थित होती है। टेरिडोफाइटा के अपवाद यहाँ पर हम देख लेते हैं, टेरिडियम, सिलेजिनेला, ये ऐसे प्लांट हैं जिनमें वाहिका उपस्थित होती है। तो ये अपवाद हमें अच्छे से ध्यान में रखने, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। आवृतबीजी पादपों में वाहिकाओं का पाया जाना एक विशेष लक्षण है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आवृतबीजी पादपों का एक विशेष लक्षण क्या है। इनमें चार ऑप्शन में आपको वाहिका भी मिल जाएगा, और इसमें भी आपको ध्यान में रखना है कुछ पादप ऐसे होते हैं आवृतबीजी प्लांट में जिनमें अपवाद स्वरूप उनमें वाहिकाएं अब्सेंट होती हैं, जैसे विंट्रेसी, टेट्रासेंट्रेसी, ट्रोकोडेंड्रेसी, ड्रीमीज, डेजिनेरिया, यूका ड्रेसिना, ये ऐसे प्लांट होती हैं आवृतबीजी पादप होती हैं, एंजियोस्पर्म पादप होते हैं जिनमें वाहिका अब्सेंट होती है। तो ये आपका जो दूसरा घटक आता है जाइलम का, वेसल्स, वाहिका, वो कंप्लीट होता है, जिसकी स्ट्रक्चर यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिनमें बॉर्डर्ड पिट और सिंपल पिट दोनों ही प्रकार के पिट पाए जाते हैं। तीसरा प्रकार आता है जाइलम तंतु, ये होता है जाइलम फाइबर्स, जो कि एक मर्त घटक होता है। कोशिका भित्ति लिग्निन के जमाव के कारण मोटी होती है, इनकी कोशिका भित्ति पर भी लिग्निन का जमाव पाया जाता है, इस कारण मोटी होती है, और ये भी मर्त घटक होता है, इसमें जीवद्रव्य नहीं पाया जाता है। कोशिकाओं के सिरे नुकीले होते हैं, इस स्ट्रक्चर में भी हम समझ सकते हैं कि कोशिकाओं के सिरे जो होते हैं नुकीले होते हैं, गुहा संकरी होती है, सरल गर्ती होते हैं, यहाँ पर सिंपल पिट पाए जाते हैं, सरल गर्त पाए जाते हैं, और ये लंबे लंबे तंतु होते हैं, और इनका मुख्य कार्य होता है पादप को यांत्रिक शक्ति प्रदान करना, पादप को मजबूती प्रदान करना, जाइलम फाइबर्स का मुख्य कार्य होता है। तो ये आपका तीसरा घटक यहाँ पर कंप्लीट होता है। जाइलम उत्तक के घटकों में चौथा घटक आता है, चौथा तत्व आता है जाइलम मर्दोत्तक, जाइलम पेरेन्काइमा, जीवित मर्दोत्तक की कोशिकाओं से बना होता है। तो जीवित जो पेरेन्काइमाटस सेल्स होती हैं उनसे ये निर्मित होता है। जाइलम का एकमात्र घटक होता है जो जीवित होता है, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि जाइलम के घटकों में एकमात्र घटक कौन सा है जो जीवित होता है, तो वो जाइलम पेरेन्काइमा हो जाएगा, जाइलम मर्दोत्तक हो जाएगा। इसका मुख्य कार्य है खाद्य पदार्थों जैसे स्टार्च, तेल, रेंजिन, इन पदार्थों का संग्रह करना इनका मुख्य कार्य होता है, यानी खाद्य पदार्थ जो होते हैं जैसे स्टार्च है, तेल है, रेंजिन है, इन सभी का संग्रह करना, स्टोरेज करना इसका मुख्य कार्य होता है। जल का अरिय सेवन करता है, तो सामान्यतः जल का अरिय सेवन, ये किसमें, जड़ों में हम बात करें तो उनमें जल का अरिय सेवन, जो रेडियल ट्रांसपोर्टेशन है, जल का अरिय सेवन है, वो इसी जाइलम मर्दोत्तक के द्वारा किया जाता है, और ये होती है जाइलम मर्दोत्तक की संरचना, जिसमें साइटोप्लाज्म भी पाया जाता है, न्यूक्लियस भी होता है, और ये एक जीवित घटक होता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनेगा आपका कि जाइलम मर्दोत्तक एकमात्र जाइलम घटक होता है जो कि जीवित होता है।
तो आज इस वीडियो के अंतर्गत हमने कॉम्प्लेक्स टिश्यू स्टार्ट किया था, जिसके अंतर्गत जो पहला टाइप आता है जाइलम मृदु तक, इसके विषय में हमने इस वीडियो के अंतर्गत डिटेल से डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू का दूसरा पार्ट आता है फ्लोएम, फ्लोएम के विषय में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आपको प्राप्त होते रहें। और अगर आप PDF के रूप में ये नोट्स आप चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।